पराली को आग लगाने जा रहे हैं। जे हमारा खेत है 4 एकड़ पराली असी फूक रहे मजबूरी दे मारे, घट तो घट जे किराए ते कराउने आ तां 2400-2500 रुपया किराए वाला लैंदा। फैक्ट्रियां ला रखियां ने उन्हां दे प्रदूषण हुंदा भी किसान है जिहड़ा कोई वातावरण का दुश्मन नहीं है भी उन्हूं पराली जला के कोई खुशी हुंदी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव कनेक्शन और मैं इस वक्त पंजाब के संगरूर ज़िले में खड़ी हूं। इस साल कहा गया है कि पराली पहले के मुकाबले बहुत कम जली है, लेकिन उसका उसके पीछे जो डिलेड मॉनसून रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे कि आप देख सकते हैं सरकार के काफ़ी कहने के बावजूद किसान जो हैं वो पराली जला रहे हैं। किसानों का ये कहना है कि महंगाई बढ़ने की वजह से और महंगे सुपर सीडर जो हैं वो ख़रीद नहीं पाते हैं और पराली जलाना उनके लिए सबसे सस्ता नुस्खा है। ये जड़ी झोने की पराली की समस्या है, ये किसानों की जी का जंजाल बनी पई है, क्योंकि मैं समझदा भी जी पराली है ये नहीं समस्या, ये झोने किसानों की समस्या, क्योंकि झोना जोड़ा जो इनू लाने उदो पानी की बहुत दिक्कत आती है। तो सरकार सानू ये प्रचार दें भी किसान नहीं है उग्रवादी ने, जे धरती का पानी नीचे चलिया गया तो वह किसान ने नीचे पहुँचाता, जे हवा च प्रदूषण बढ़ता है तो वह किसान ने पाया, पर जी पराली जलानी है ये किसान की शौक नहीं है मजबूरी है, क्योंकि जोड़ा ना पोल्यूशन होंगे वो पोल्यूशन शहर च बाद चाहता है कि असी खेतों से रहने, पहला साढ़े बच्चे ने जोड़े देखो साढ़ा घर इतने उन्होंने ज़्यादा तंग करता है, पर क्योंकि साढ़े को झोने वढ़ण तो बाद समय जिहड़ा बहुत अगली फसल गेहूँ बीजण का घट हुंदा है, सिर्फ 10 दिनों दे विच सानू ये बुआई करनी पैंदी है। अगर हम किराए पर वो जो मशीनरी सरकार बोलती है किराए में आपको मिल जाएगा, किराए में भी हमें जहाँ इतनी उपलब्ध नहीं होती, अगर सुपर सीडर वाली खेत को अगर हम बीजते हैं वो भी इतना कामयाब नहीं हुआ। पिछली बार हमने 1 एकड़ का जहाँ पर उपयोग करके देखा था उसमें सारे खेत में जो गेहूं की फसल बोई थी हमने उसमें सुंडी पड़ गई थी। जो पराली है इसमें उसकी गलना सी होती नहीं जल्दी, जब इसको पानी लगाते हैं उसमें इसको गलना शुरू होती है तो उसमें सुंडी पड़ जाती है, रसायन की सुंडी वगैरह। तो हमारे 1 एकड़ में जिसमें हमने बिना आग लगाए थोड़ा बीजा था उसको सारा खेत वो ख़राब हो गया। साढ़े संगरूर जिले के लागे तागे सरकार ने कोई अजिही फैक्ट्री नहीं लाई हैगी भी जिथे पराली दियां गठां रखियां जाण जां इस तो कोई गैस बनाई जाए, इहदा सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया हैगा। इस करके सानू जिहड़ा मजबूरी बस पराली नूं साड़ के असीं आपदी गेहूं की बिजाई करनी हुंदी हैगी, इस करके सानू मजबूरी बस पराली नूं अग लाउणी पैंदी हैगी। बट कहते हैं कि दिल्ली में जो प्रदूषण होता है वो पराली के जलाने से बहुत ज़्यादा होता है, तो वो तो किसानों को कहते हैं कि पराली जलाने से ज़्यादा प्रदूषण। किसान तो ले लाने ने हरेक मुद्दे च कहने किसान आए हैं उन्होंने सरकारों को अपने झाकन नहीं दा, जिवें इन्हें फैक्ट्रियां ला रखियां ने उन्होंने प्रदूषण हुंदा। हुण तुसीं लुधियाणे साइड चले जावो 3 बजे तो बाहर लंघ नहीं सकते, आपां इन्ना प्रदूषण हुंदा फैक्ट्रियां दा। एक तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम है कि जो राइस क्रॉप है उसका एरिया पिछले 4-5 साल से बड़ा है। दूसरी बात इसमें यह है कि मैकेनिकल कटिंग जो है हार्वेस्टिंग जो है वो ज़्यादा मशीन से होती है और पहले कम होती थी अब ज़्यादा होती है। तो मशीन की जो कटिंग है उसके बाद जो स्टपल बचता है उसको क्लियर करने के लिए फार्मर्स को नई मशीनरी और उसमें कास्ट ज़्यादा आता है, लेबर चाहिए, तो इसलिए फार्मर जो है वो उसको आग लगा देता है। मुझे लग रहा है कि ये जो पैडी कटिंग पहले हाथ से होती थी और किसान जो है स्टबल बर्न नहीं करता था, ये प्रॉब्लम तो मशीन की कटिंग से हुई है और मशीन ने जो प्रॉब्लम क्रिएट की है उसको मशीन से ही सॉल्व करना चाहते हैं, ये नहीं होगा। हमें और सलूशन इसके निकालने पड़ेंगे और उसमें ख़ास तौर पे जो सलूशन आता है कि स्टबल के बहुत सारे यूजेस हैं। पहला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि जो जितना भी हमारे देश में कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी डस्ट बनती है
और ये लॉज बनना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन अंडर कवर्ड एरिया होनी चाहिए। तो जो कवरिंग है वो जो स्टबल ये है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो चादर बनानी है उसको डस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, इसी का बहुत ड्यूरेबल और ऑर्गेनिक बनता है जिससे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं कि स्टबल का भी यूज़ बढ़ सकता है और उसमें कंस्ट्रक्शन की वजह से जो एनवायरनमेंट में डस्ट जाती है, एनवायरनमेंट ख़राब होता है, वो भी हम बच सकते हैं।